हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हर संभाग में जारी हुआ जन घोषणा पत्र। कांग्रेस का जन घोषणा पत्र हर संभाग में जारी किया गया। जोधपुर में कांग्रेस संभाग मुख्यालय में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव विवेक बंसल, गुजरात प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अर्जुन मोटवाड़िया और राज्यसभा सांसद आर्मी याग्निक ने जन घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि जनता से जुड़े मुद्दे और उनकी समस्याओं को निराकरण करने का प्रयास करने के वादे जनता से किए हैं, उसको पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। कांग्रेसी की घोषणा पत्र को जिला मुख्यालय में जारी करने के बाद सभी कांग्रेसी नेता मीडिया के सवालों के जवाब भी दिए, जहां कांग्रेसी नेता विवेक बंसल ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान और राम मंदिर के नाम पर राजनीति कर रही है, जबकि कांग्रेस का हमेशा से उद्देश्य सबका साथ सबका विकास करना रहा है। प्रदेश में किसानों की पीड़ा निरंतर बढ़ रही है। भाजपा द्वारा कांग्रेस पर आरोप प्रत्यारोप के सवाल पर उन्होंने कहा कि इसका फैसला प्रदेश की जनता करेगी। इन कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि भाजपा ने 5 साल प्रदेश में और 4.5 साल केंद्र में शासन करने के दौरान जनहितकारी मुद्दों को गौण करके रखा और इसका खामियाजा अब उनको चुनाव में भुगतना पड़ेगा। बता दें कि लोकतंत्र के महापर्व चुनाव में मतदाताओं को रिझाने की रस्म के अनुरूप राजनीतिक पार्टियां अपने चुनावी घोषणा पत्र को जारी करने में पूरी ताकत झोंक रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र को जारी करने के 2 दिन बाद गुरुवार को कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र को जारी किया है। जोधपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।